स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सुबह सुबह हमने योगा किया और अब हम शब्द साधना कर रहे हैं। तो मैं शब्द साधना में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारे आसपास इतना सारा कूड़ा फैला हुआ है, इसको देखिए, इस तरह से जो हमारा एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अब जैसे जैसे बीमारी का दौर है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम इस पे जो ये बीमारी है इसका कारण हम ही है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो हम अधिकतर मात्रा में पेड़ पौधों को काटना और फिर जिस तरह से प्लास्टिक वगैरह डाल रहे हैं, और ये क्या है कि ये प्लास्टिक वगैरह जो कूड़ा वगैरह है वो जानवर भी खा रहे हैं, और जो हमारी जो ये जानवर की प्रजाति है वो भी लुप्त हो रही है। आए दिन आप देखते हैं आंकड़े कि हमारी जो ये प्रजाति है वो लुप्त हो रही है, तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं मनुष्य ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक सुनहरे जंगल में आए हैं और सुनहरी वादियों में हम लोग योगासन योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हमें अच्छा भी लगा योगासन करते हुए, साथ ही साथ हमें कहीं दिल में एक चोट भी पहुंची, क्योंकि लोग खुशी के मायने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी पार्टीज में रखते हैं जिससे इन जंगलों की क्षति हो रही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। हाल ही में हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया, जिसमें यह पता चला कि इंडिया में जो दिल से मरने वाले लोग हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो कारण पता किया गया है कि क्या कारण था कि जिससे लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं हार्ट अटैक से, तो उसका सबसे प्राइमरीली कारण यही था कि वो वातावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में, थोड़ी थोड़ी पिकनिक में अपनी खुशी को ढूंढें, और साथ ही साथ अपने जो सामान है जिसको हमने पिकनिक में यूज़ किया था उसको वहीं छोड़ कर आ जाते हैं। यह गलत बात है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, वास्तविक हमारा जो घर है वह जंगल है। अगर हम जंगल को हानि पहुंचाएंगे तो हम अपने घर में खुशी कैसे लेकर जाएंगे, यह सोचने की बात है और हमें समझना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो घर में कलह हो रहा है उस कलह की शांति के लिए हमें जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कलह की शांति संवाद से है और हमें संवाद करना चाहिए। जब संवाद हो जाए फिर उसके बाद हमें सामने वाले पर्सन को भी जंगल में लेकर फिर हमें घूमना और समय बिताना चाहिए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो कुछ स्कीम लाए हम तभी सफाई करें, ये हमारा रोज़ का कार्य होना चाहिए। रोज़ हमें सफाई करनी चाहिए और अपने वातावरण को साफ़ रखना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही प्रकृति को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये धरती भी हमारा घर ही है। धन्यवाद। ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत।